हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फूडिज्म। आज का हमारा टॉपिक है फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि फूड को सेफली हैंडल कैसे करना है एंड उसको सैनिटाइज कैसे करना है सलाइन वाटर, मतलब कि नमक के पानी से। अब जब बात आती है फूड हैंडलिंग की एंड सलाइन वाटर में सैनिटाइज करने की, तो हम स्पेसिफिकली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बात कर रहे हैं। तो आप मार्केट जब भी जाएं, या अगर अपने घर के नीचे से भी कोई डिलीवरी लेने जा रहे हैं फ्रूट्स या वेजिटेबल्स की, आप हमेशा ध्यान रखें कि आप ग्लव्स पहन कर जाएं, कि उससे क्या होता है आपके जितने भी जर्म्स जो भी इस पैकेट पर या अंदर जो फ्रूट या वेजिटेबल है उसके ऊपर जो लगे हुए हैं वो आपके हाथ पर ट्रांसफ़र ना आए। एंड ये जो पैकेट है इसमें भी काफ़ी जर्म्स होते हैं, क्योंकि बहुत लोग इसको छूते हैं, आपका लोकल स्टोर वाला या सब्ज़ी वाला इसको छूता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो हैं वो इधर उधर से आते हैं ट्रक्स में और क्रेट्स के अंदर, उस पर काफ़ी डर्ट और जर्म्स होते हैं, तो वो भी आपके लिए एक प्रॉब्लम बन सकते हैं आपके घर के अंदर। तो आप ग्लव्स पहन कर जाएं। अब इसको फूड को हैंडल कैसे करना है हम आपको ये बताते हैं कि आप घर में एंटर करने से पहले एक किसी और बास्केट में इस फ्रूट या वेजिटेबल को, हमारे इस केस में ये टमाटर है, आप इसको किसी और चीज़ में ट्रांसफ़र कर दीजिए। एंड ये जो थैला है इसको आप बाहर की बाहर ही डस्टबिन के अंदर डिस्कार्ड कर दीजिए। उससे क्या होगा कि ये थैला अगर आपके घर में नहीं जाएगा तो वायरस का आपके घर में घुसना और भी मुश्किल हो जाएगा, एंड आप इस चीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं अपने घर के बाहर। उसके बाद एक पानी के बोल में आप नमक मिलाइए, वो सलाइन वाटर बन जाएगा। उसके बाद आप उस फ्रूट या वेजिटेबल को उस पर डालकर अच्छे से रब कर कर या थोड़ी देर उसको रखे रहने दें, तो आपके जो फ्रूट या वेजिटेबल है वो सैनिटाइज हो जाएगी, वो जर्म फ्री बन जाएगी। तो आइए देखते हैं, हम इस पैकेट को हटाते हैं एंड सलाइन वाटर बनाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे कि ये सलाइन वाटर कैसे बनाकर उसमें सैनिटाइज कैसे करें। तो अब आप अपनी स्क्रीन्स के सामने देख सकते हैं कि हमने एक पानी से भरा हुआ बोल रखा हुआ है। अब इसमें हम डालेंगे नमक, देखिए करीब आधा एक टीस्पून आपको इसमें नमक डालना है और उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब ये हमने इसमें नमक मिक्स कर लिया है, उसके बाद हम इसमें हमारे टमाटर को डाल देंगे। हमने टमाटर इसमें डाल दिया है, हमने हमारा थैला डिस्कार्ड कर दिया है। अब ये जो ग्लव्स हैं इसको आप तब तक पहने रहिए जब तक आपके फ्रूट या वेजिटेबल डिसइंफेक्ट नहीं हो जाता। अब इनको आप थोड़ा सा रब कर दीजिए ऐसे, एंड इसको कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए आप ऐसे ही सोक होने दें कि जितने भी इसमें जर्म्स हैं वो सारे नमक के पानी से मर जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, ये पानी ड्रेन कर कर रनिंग कोल्ड वाटर, मतलब अपने नल के नीचे आपको जो ठंडा पानी आपका नल से बहता है, नल खोल कर इनको अच्छे से धोना है टमाटर को आपको, या कोई भी फ्रूट या वेजिटेबल को। उसके बाद इसको सुखा कर फिर अपने फ्रिज में स्टोर करें। तो ये तरीका है आपका फूड को सेफली हैंडल करने का एंड उसको सैनिटाइज करने का सलाइन वाटर में। जब आप ये सब कर लें तो उसके बाद अब आपने ग्लव्स तो पहने हुए, उसके सरफेस पर जो भी डर्ट या जर्म्स वो तो प्रेजेंट है ही, तो उसको कैसे उतारना है वो भी आप देख लीजिए। तो अब ये ग्लव्स आपको दिखाते हैं कैसे उतारने हैं। आपने सिंपली यहाँ से ये लेना है एंड इसको ऐसे उतारना है। अब ये इनर पार्ट यूज़ कर कर आपको ये दूसरा ग्लव यहाँ से पकड़ना है एंड उसको भी ऐसे उतार देना है कि जो आउटर लेयर है उसकी वो कम्प्लीटली इनसाइड आउट हो जाए, कि जो जर्म्स हैं वो अब सारे अंदर की साइड रह गए और जो आपने आपकी हैंड की तरफ जो इनसाइड पार्ट था वो आउटसाइड हो गया। तो आप इसको इजीली और सेफली इसको आप डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। तो हम होप करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने घर पे रहिए, स्टे होम स्टे सेफ,
इन फूड आइटम्स को आप सेफली हैंडल कीजिए, इनको सैनिटाइज कीजिए, अपना माउथ कवर रखिए एंड जितना भी खाना है आप अच्छे से पका कर खाइए। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अंटिल देन, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।